ये बात है 2003 की, जब स्पेस शटल कोलंबिया अपने 28वें मिशन पर गया हुआ था स्पेस में, जब रीएंट्री करते वक्त में एक डिजास्टर हो गया और इस स्पेस शटल में आग लग गई। इसके अंदर 7 एस्ट्रोनॉट थे, जिसमें इंडिया की भी एक एस्ट्रोनॉट थी जिनका नाम था कल्पना चावला, और इसी डिजास्टर की वजह से इनकी मौत हो गई थी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी जिस वजह से ये हादसा हुआ था। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इससे पहले इसी तरीके का एक हादसा हुआ था स्पेस शटल चैलेंजर के साथ में 1986 में, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद में नासा ने काफ़ी कुछ सीखा और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए ये सारी चीज़ें सीख ली थी। लेकिन 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया, जो इनका 28वां मिशन था, उसमें एक बहुत ही छोटी चूक की वजह से ये इतना बड़ा हादसा दोबारा से हुआ, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। और इसी हादसे को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो स्पेस शटल होता है उसको स्पेस में पहुंचाने के लिए ये यूज़ करते हैं रॉकेट का, जिसके अंदर भरा होता है फ्यूल, और इस फ्यूल में लिक्विड फ्यूल भी होता है और कई बार मिक्स फ्यूल भी होता है, जो पहले से ही प्री मिक्स फ्यूल होता है, ये हार्ड फॉर्म में होता है। लेकिन जब लिक्विड फ्यूल का यूज़ होता है, जिसमें फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, उसको सिक्योर्ड किया जाता है इंसुलेशन फॉर्म से, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी लो रखना होता है, वरना ये अपनी फॉर्म से बदल जाएगा। इसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली उस टैंक के अंदर इंसुलेशन फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये जो रॉकेट होता है उसके बाहर एक बायोपैड रैंप का जो एक एक्स्ट्रा फॉर्म होती है उसका भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अटैच होता है स्पेस शटल। अब ये जो स्पेस शटल होता है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है हीट, जो करीबन 3000 डिग्री तक चली जाती है। और इस स्पेस शटल का ये जो मटेरियल यूज़ होता है जिससे ये पूरा बनता है, वो एल्यूमिनियम और मेटल का होता है। इसी के साथ साथ हीट से बचाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कोटिंग का यूज़ किया जाता है, जिसमें स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में यूज़ होती है वाइट टाइल्स, जो इसको करीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती है। इसी के साथ साथ इसके निचले हिस्से पर लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको करीबन 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, और इसको हीट से बचाने के लिए इसमें रीइंफोर्स कार्बन कार्बन पैनल का यूज़ किया जाता है, जो करीबन 3000 डिग्री की हीट तक झेल जाता है। लेकिन जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, उस वक्त में बायोपैड रैंप टूटकर गिर गया था, जो एक फॉर्म थी, और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बायोपैड रैंप प्लेन की विंग्स को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी कि जब वो रीएंट्री के स्टेज में आएगा तब ये प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी। और उसी तरीके की सिचुएशन हुई, जो MMTS था उसने ये सारी चीज़ें होती हुई देखी थी, लेकिन उसने इन्फॉर्म करना नहीं चाहा, क्योंकि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि एक ज़रा सी फॉर्म की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और उन्होंने सोचा कि वो स्पेस में जाकर इसको फिक्स कर लेंगे या फिर स्पेस शटल को सेव कर देंगे रीएंट्री के टाइम पर। लेकिन जब स्पेस शटल रीएंटर हो रहा था अर्थ के अंदर, और जिस जगह पे ये नुकसान हुआ था उसी जगह से वो सारी हीट अंदर जाने लगी, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर बात करें कि स्पेस शटल में जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उनको क्या मौका मिला होगा अपनी जान बचाने का। देखिए, जब रीएंटर हो रहा था स्पेस शटल, उस वक्त में उन्होंने अपना स्पेस सूट नहीं पहना होगा, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ 10 सेकंड ही होंगे अपना स्पेस सूट पहनने के लिए, और उतने में कोई भी अपना स्पेस सूट नहीं पहन सकता था, जिसकी वजह से जैसे ही प्रेशर अंदर गया स्पेस शटल के, उनकी सांसें उखड़नी चालू हो गई और वो 10 सेकंड के अंदर ही बेहोश हो गए, जिसके बाद में जो भी चीज़ें होती हैं स्पेस में वो उनके साथ हुई। उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, उनका खून लिक्विड जितना जो भी था उनके शरीर में वो बॉयल होना शुरू हो गया, और उसके बाद में उनकी मौत इस शॉक से ही हो गई होगी। और उसके बाद में
बाकी सारी चीजें आपके सामने ही थी, आपने देखा था न्यूज में किस तरीके से सिर्फ मलबा ही धरती पर गिरा था स्पेस शटल का। वैसे तो काफी वक्त तक ये मालूम नहीं चला था कि यह हादसा किस वजह से हुआ है, और सभी ये मान रहे थे कि री एंटर करते वक्त में ही कोई गलती हो गई होगी। लेकिन जब नासा ने री इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे सिनारियो को, तो ये पता लगा कि ये पूरा हादसा इस फॉर्म की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक महीने तक उसी तरीके का एक फॉर्म का टुकड़ा विंग पर बार बार फेंक के देखा, जिसकी वजह से ये मालूम चला कि इससे करीब करीब 700 टाइल्स टूटी होंगी और कुछ टाइल्स उखड़ भी गई होंगी अपनी जगह से, क्योंकि ये जो जरा सी फॉर्म थी, हालांकि ये इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही होगी जिसने इतनी ज्यादा मजबूत टाइल्स को तोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी जब इसकी गति रही थी करीबन 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तब इसने उन टाइल्स को तोड़ दिया था। जिस तरीके से एक प्लेन से जब एक जरा सी चिड़िया टकराती है और इतने बड़े डेंट वो छोड़ देती है, सेम उसी तरीके से पूरी चीज हुई थी, जिस वजह से इतना बड़ा ये हादसा हो गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से स्पेस शटल कोलंबिया का ये पूरा हादसा हुआ था, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने समझा होगा कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि इसी तरीके की और वीडियो आप देख पाओ।